हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो हेल्थ केयर बी ए हेल्दी पर्सन यूट्यूब चैनल। मेरे हाथ में है केंट गैस कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक खाली फाइल। इस खाली शीशी के ऊपर मैंने लिख दिया है केंट गैस कॉम्बिनेशन बेहतर समझने के लिए। इस कॉम्बिनेशन को कैसे बनाना है आज मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। सो मेरे पास है चार मेडिसिन्स, सारी मेडिसिन्स जर्मनी के हैं और 6 पोटेंसी में है। पहला है एंटीमोनियम क्रूडम 6, ये मेंटल सिम्टम के साथ डाइजेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स भी मैच करता है। गर्म और ठंड पानी में नहाने से पीड़ा बढ़ते हैं, सूर्य के धूप या हीट सहन कर नहीं सकते और एसिडिटी, स्किन रिलेटेड बीमारियों में जैसे खुजली, आर्टिकेरिया, एक्जिमा में बहुत काम आता है। दूसरा है कार्बोवेज, जो 6 पोटेंसी में है, जो लोग मोटा थका रहता है, आलसी, डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, बहुत डकार होता है कुछ पीने से या खाने से, एसिडिटी लाइक बर्निंग सेंसेशन, जलन, वीकनेस और वोमिटिंग फील होता है। और तीसरा जो मेडिसिन है वो है पालसेटीला, पालसेटीला 6। ये ज़्यादातर नाजुक, शांत, रोने वाली खूबसूरत लड़कियों से मैच करती है मेडिसिन, जिसको प्यास नहीं लगना, सर ऊंचा रख के सोना, शाम को अकेला रहने से डरना, गर्म खाना पीना अच्छा नहीं लगना, खाने के बाद डकार होना, मुंह का स्वाद खराब होना, ये सिम्टम्स इनमें है। और जो इसके बाद आखिरी मेडिसिन जो होगा वो है रोबिनिया, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रोबिनिया 6, जो स्टोमक में सोरनेस यानी खट्टापन और सर दर्द रहता है उसके साथ, खट्टा ढकार होगा, एसिडिटी टाइप, इंडाइजेशन, स्टोमक में दर्द और बर्निंग सेंसेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन लगा रहेगा, ये बच्चों के लिए या एसिडिटी के लिए बहुत, गैस के लिए बहुत अच्छा दवा है, मेडिसिन है। ये सारी जो मेडिसिन है ज़्यादातर एसिडिटी, डाइजेशन, गैस रिलेटेड है। सो अब सारे मेडिसिन को बराबर मिलाऊंगा। मैं साड़ी में से ड्रॉपर वाला कैप पहले से निकाल के रखा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो वीडियो बनाने में। मेरे पास एक खाली ड्रॉपर भी है जिससे सारी दवा को केंट गैस की फाइल में डालूँगा। आप लोग डायरेक्ट ड्रॉप या बूंद डाल सकते हैं एक कोई भी खाली शीशी में। मेनली देखना है कि सारी बूंद बराबर होना चाहिए, जैसे एंटीमोनियम क्रूडम 10 बूंद तो कार्बोवेज 10 बूंद, पल्सेटिला 10 बूंद और रोबिनिया भी 10 बूंद। या साड़ी को आप 10 ml यानी 10 ml करके एक साथ एक 100 ml की फाइल में डाल सकते हैं। मेरा साड़ी जो मेडिसिन जर्मनी का है, आप कोई भी कंपनी हो या कोई भी स्टेट का, कोई भी देश का हो, आप बना सकते हैं। सभी मेडिसिन 6 CH यानी 6 पोटेंसी में बराबर मात्रा में डालना है। अगर मैं 30 CH यानी 30 पोटेंसी में लेता हूँ या 200 CH में लेता हूँ तो क्या ज़्यादा अच्छा होता या ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये सवाल सभी लोग पूछते हैं। सो ये आंसर होगा नहीं। अगर मेनली पोटेंसी अलग अलग काम करती है, जैसे 6 CH जो इस तरह की मेडिसिन पे एब्डोमिनल या गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी पे अच्छा काम करता है, और 30 CH गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इंडाइजेशन में अच्छा इतना अच्छा काम नहीं करेगा, कोई और बीमारियों में काम। सो इस कॉम्बिनेशन को आप सुबह खाली पेट ले, दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद 2 बूंद या 2 ड्रॉप आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए 1 बूंद या ग्लोब्यूल में डाल के 2 ग्लोब्यूल दे सकते हैं। दिन में 3 बार या दिन में 4 बार भी ले, 4 बार भी ले सकते हैं। किसी को अगर एसिडिटी हो गया हो अभी तुरंत एक्यूट कंडीशन में, तो ये केंट कॉम्बिनेशन 2 बूंद 5 मिनट के बाद ले सकते हैं।
और ये दवा एसिडिटी में इंडाइजेशन में बहुत ही अच्छा काम देता है। सो इसको आप दिन में 4 बार ले सकते हैं, मैंने बोला ही है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए। साइड के बेल आइकन को भी दबा के रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। और होम्योपैथी मेडिसिन को हमेशा खाली पेट खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लें, और एलोपैथी को होम्योपैथी के साथ कभी भी मिक्स ना करें। जिसकी जिन लोगों की एलोपैथी चल रहा है कोई और डिजीज़ के लिए, तो वो एलोपैथी मेडिसिन चलने दीजिए, और हमेशा होम्योपैथी की मेडिसिन और एलोपैथी की मेडिसिन 1 घंटा या आधा घंटा आगे पीछे ले सकते हैं। सो मेरे भी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।